मतलब जिस तरफ की सूरज की रोशनी आ रही होती है वहाँ की तरफ ये बंद हो जाती है, और जहाँ पे रोशनी नहीं आ रही होती वहाँ पे धीरे धीरे ये खुल जाती है। जैसे कि इस तरफ की डायरेक्शन में लेनी है, लेकिन मुझे जो चॉइस जो चाहिए मुझे कैब नहीं मिल रही है। वैसे इन तीनों में से मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने सोचा कि ये वाली ले लूँगा, ये वाली, लेकिन समझ। हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। टुडे आई एम गोइंग फॉर मीटिंग इन अबू धाबी राइट नाउ, सो देखते हैं वहाँ पे कुछ फॉलोअप्स है पेमेंट का और कुछ मीटिंग्स है, तो इंशाल्लाह वहाँ जा रहे हैं फिलहाल, और रास्ते में जो भी है मैं आपको दिखाता रहूँगा, ठीक है। और मीटिंग के बाद अबू धाबी जहाँ भी जाएंगे हम लोग, डेफिनेटली मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा इंशाल्लाह। कोशिश करूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको दिखा सकूँ जो यहाँ पे अबू धाबी के अंदर जो नहीं है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा आपके लिए। ये आपको जो बाउंड्री नज़र आ रही है, ये बाउंड्री दुबई से शुरू होती है और कंटिन्यू अबू धाबी तक है, ठीक है। ये कम्प्लीटली वन लाइन कंस्ट्रक्शन है पूरा, और देख रहे हैं आप ये जो दिख रहा है ऐसे कंटिन्यू चलती जाती है बाउंड्री। ये वाली बाउंड्री की बात नहीं कर रहा मैं, उस वाली बाउंड्री की बात कर रहा हूँ जो पीछे नज़र आ रही है, जो शायद आपको दिखाई दे रहे हो वो जो व्हाइट कलर की और ग्रीन रेलिंग के साथ नज़र आ रही है, वो वाली बाउंड्री, वो दुबई से अबू धाबी तक है 140 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अबाउ तक है ये लाइन। तो गाइस अभी हम पेट्रोल पे रुके हुए हैं, ठीक है, अभी पेट्रोल डला रहे हैं, बीच रास्ते अबू धाबी बीच में हम रुके हुए हैं। अभी प्रॉब्लम ये भी एक थी कि इन्होंने क्या किया था कि अपना लोकेशन जो ऑन किया हुआ था, लेकिन कल वो नहीं, आजकल टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ आते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को ब्रीच ना करें, गूगल आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है, आप ये सेटिंग करें, एक्टिविटी लॉग में जाके ये सेटिंग कर दे तो आपकी इन्फॉर्मेशन कोई नहीं ले पाएगा, फलाना ये वो, तो जिसको इतना इल्म नहीं होता, और फिर वो लोग जाके ना एज इट इज़ पर्पज से वो जो बताते हैं इंस्ट्रक्शन उस हिसाब से जाके सारी इन्फॉर्मेशन ऑफ कर देते हैं। तो इन्होंने भी कुछ इसी तरह किया हुआ था, मेरे एक और दोस्त ने भी किया हुआ था, तो उस वजह से ना लोकेशन ही नहीं डायरेक्शन कर रहा था, ठीक है, गूगल का। तो इस वजह से मैं तो जानता था कि रास्ता क्या है, लेकिन ही इज़ ना वो क्या कहते हैं, मैं ही सब कुछ जानने वाली चीज़ है, तो उन्होंने डायरेक्शन घुमा दिया और फिर कई रास्ते और दूसरे रास्ते पर जबल अली पॉर्ट पे चले गए, ये वो रास्ते पे चले गए, तो फिर बीच में रोक के फिर उसको सेटिंग को सही किया, सेटिंग को सही करने के बाद भी कहते राइट लोकेशन, और उसके बाद हम अभी तो अभी रास्ते पे आए, तो थोड़ा इस वजह से एक घंटा लेट हो गए हम ऑलरेडी, जैसे कि कल भी हुआ था, सही है। तो अभी हम लोग पेट्रोल पे हैं और बस वो क्लीनिंग कर रहे हैं ग्लास व्लास, क्योंकि कल मैंने उनको बोला था कि प्लीज़ वॉश योर कार, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी क्लीन अगर नहीं है तो आपको फाइन आ सकता है, ठीक है, लेकिन बस ध्यान ही नहीं दे रहे थे, आज जाके उन्होंने गाड़ी साफ किया हाथ से, ठीक है। तो नाउ फाइनली इज ऑल क्लियर, ठीक है, तो पेट्रोल पे भी कम्प्लीटली फिलिंग करा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। इसी बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं जो राउंड शेप में है, एक्चुअली इज अ डिजाइन बाय ज़ाह हदीद, जो बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल गुजरे हैं, ठीक है, ये उनकी डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग है, और आगे एक और ब्रिज आएगा जो उनका बनाया हुआ डिज़ाइन है, ठीक है, वो भी बहुत कमाल है, वो वर्ल्ड टॉप 10 आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में उनका नाम है। और गाइस ये वो ब्रिज है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, ये ब्रिज भी जहाँ हदीद ने ही बनाया है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी डिज़ाइन लाजवाब है, और पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत मुख्तलिफ और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनाई है जो इनमें से एक है। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत तरीके से ब्रिज बनाया हुआ है, और ये जो आपको दूर नज़र आ रहा है वो है शेख जायद मॉस्क, जो आइकन है यहाँ का, मतलब कि एक बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो ये गाइस यहाँ पे एक मिनट हो गया, मैं 26 अक्टूबर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस, ये अबू धाबी की दो जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपके सामने, ये एक्चुअली आइकॉनिक बिल्डिंग है,
और इस बिल्डिंग की खासियत ये कि इस बिल्डिंग के बाहर की तरफ को आपको जो विंडोज नजर आ रही है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू अस सूरज की गर्मी के हिसाब से चलती है। मतलब जिस तरफ की सूरज की रोशनी आ रही होती है वहाँ की तरफ ये बंद हो जाती है, और जहाँ पे रोशनी नहीं आ रही होती वहाँ पे धीरे धीरे ये खुल जाती है। जैसे कि इस तरफ की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो खुली हुई है, ठीक है, विंडो, और उस तरफ की डायरेक्शन में अगर आप देखें तो बंद है। तो जैसे जैसे सूरज की गर्मी अंदर आती है, मतलब कि रोशनी अंदर आएगी, वो बंद हो जाती है। तो गाइस फाइनली अबू धाबी सिटी में हम लोग एंटर कर चुके हैं। एक दो मीटिंग से अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म करके फिर मैं आप लोगों से सीधा लंच पे बात करूंगा इंशाल्लाह। तो फाइनली गाइस एक मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, वहाँ से एक फॉलोअप था और एक चेक भी लेना था, तो वो कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी जो मेरे फ्रेंड है वो ADCB बैंक में गए हुए हैं जमा कराने के लिए, चेक डिपॉजिट करेंगे, उसके बाद वो आएंगे, फिर हम देखते हैं कहाँ जाते हैं। क्योंकि मेरी एक दो मीटिंग मेरी अपनी भी है, प्राइवेट मीटिंग जो है, मतलब कि एक दो क्लाइंट है मेरे, उनसे ही मुझे मिलना है, तो उनसे ही मुलाकात हो जाएगी। इनके भी एक दो काम थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इसी तरह अभी मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे कि अबू धाबी, एक्चुअली मैं जिस जगह पे हूँ, मैं अबू धाबी मेन सिटी है, और यहाँ पे ना बिल्डिंग जो है बड़ी सिमेट्रिक है दोनों की तरफ, मतलब बीच में रोड है, दोनों तरफ बड़ी सिमेट्रिक बिल्डिंग्स है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो चारों तरफ ऐसे बिल्डिंग्स बने हुए हैं कि यू कॉन्ट सी आफ्टर ओवर देयर, है ना, चारों तरफ बड़ा डेंस है बिल्डिंग्स, बड़े बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स चारों तरफ बिल्डिंग्स है। जैसे कि अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको, देखें ये देखें चारों तरफ बिल्डिंग्स है, अगर आप नज़र दौड़ाएं ना तो बस बिल्डिंग बिल्डिंग है चारों तरफ, देखें। मतलब मुझे ना सच कहूँ तो मुझे इतना डेंस पसंद नहीं है, मुझे मुझे घुटन होती है बहुत चारों तरफ इतना, मुझे थोड़ा खुला इलाका ज़्यादा पसंद है। या तो फिर स्काई स्कैपर बिल्डिंग हो और आप टॉप पे रह रहे हो, दैट्स मोर बेटर। लेकिन यहाँ पे एक सिचुएशन क्या होती है कि जब आप यहाँ पे जॉब करने के लिए आते हैं या फिर यहाँ पे स्ट्रगल होती है लाइफ में, तो यहाँ पे आपको ऐसी जगह पे भी रहना पड़ता है जहाँ पे यू हैव टू मैनेज बाय एवरीथिंग, सेक्रीफाइसेस बहुत सारी चीज़ें भी होती है, खास करके आपकी कंफर्ट जोन की जो सेक्रीफाइस है यहाँ पे 100% होने वाली है, ठीक है। तो जो लोग इंडिया, पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अपने खुद के नेटिव से आते हैं यहाँ पे, और उनको लगता है कि हम वहाँ पर जाके बाद बहुत जो ऐसा है वैसा वहाँ पर होगा और सब कम्फर्ट में होगा, नहीं, आप जैसे ही यहाँ पे आओगे आपकी कंफर्ट जोन खत्म हो जाती है। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपको सर्वाइव करने का मौका मिलता है, और सर्वाइव करके आप बहुत सारे स्किल सीखते हैं, ठीक है, बाहर आने के, जो कि जो हमने सीखे हैं, जो दूसरे भी सीखते हैं, और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलते हैं, तो यू चेंज योर माइंड सेट, जो आप इंडिया पाकिस्तान से जो माइंड सेट लेके आते हैं यहाँ पे चेंज हो जाता है, स्किल चेंज हो जाते हैं आपके, आपके अंदर एबिलिटीज़ बढ़ने लगती हैं, आपके स्किल बढ़ने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी बढ़ती हैं यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बस इतना है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को लेते कैसे हैं। जॉब बहुत ज़्यादा है, कभी कभी किसी को पूछेंगे तो बिल्कुल जॉब नहीं है, कुछ के लिए बहुत ज़्यादा जॉब है, ठीक है। अब ये क्यों ऐसा है, क्योंकि आप जो स्किल इंडिया या पाकिस्तान से हम लोग लेके आते हैं वो यहाँ पे वैसे स्किल नहीं होते, वो थोड़े एडवांस लेवल पे होते हैं, यहाँ पे थोड़ा एडवांस लाइफ है, और आप यहाँ पे आते हैं 6 महीने 8 महीने गुजारते हैं। और सॉरी गाइस, अजान का टाइम हो गया तो फिर मैं बात करता हूँ आपको, ठीक है। गाइस दिमाग का नहीं हो गया है मेरा यहाँ पे मीटिंग में, ठीक है, अभी नीचे जा रहा हूँ मैं, पार्किंग लॉट में एक ही घंटे का पार्किंग डाला हुआ था, फिर से पार्किंग डालने के लिए, और फिर देखता हूँ मैं आपसे बात करता हूँ। एक्चुअली गाइस ना मैं बाहर आया था पार्किंग में, फिर पार्किंग डालने के लिए, एक घंटे की पार्किंग थी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे भूख भी लग रही थी और ऊपर वहाँ पे वो वेटिंग कर रहे थे, तो मैं सोचा कि मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइप कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मैंने ज़्यादा तो रुकूँ, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था सही से, तो मैंने मंगवा लिया है शावरमा और साथ में सलाद, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये करके उसके बाद शायद ऊपर लंच आऊँगा, नीचे ही रहूँगा, शायद वो आ जाएंगे उसके बाद कहीं लंच के लिए चलेंगे, लेकिन सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो गाइस वेटिंग करते करते मैं थक गया था, तो मैं एक शोरूम में आ गया जहाँ पे काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये कलेक्शन मैंने अभी एक ट्रैक लिया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला मैंने एक ट्रैक लिया है, ठीक है, ये काफ़ी खूबसूरत है, मतलब कि बहुत स्मूथ कपड़ा है, ठीक है। और ये जूते हैं इनके, अच्छे वाले कलेक्शन है इनके पास भी, सही है। ये कैप है, वैसे मुझे कैप लेनी है, लेकिन मुझे जो चॉइस जो चाहिए वो मुझे कैप नहीं मिल रही है। वैसे इन तीनों में से मैंने सिलेक्ट किया था, मैंने सोचा कि ये वाली ले लूँगा, ये वाली, लेकिन समझ नहीं आ रहा, ठीक है,
बाइक्स पे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ों का कलेक्शन काफ़ी अच्छा है लोग का। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. जी माय फ्रेंड्स, फाइनली उनकी मीटिंग भी खत्म हो चुकी है और हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं चिकन चिली खाने के लिए, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ से खाना खाने के बाद फिर मैं जाऊँगा मुसफ़ा 17, वहाँ पे एक फ्रेंड है उनसे मिलना है मुझे, और इनकी भी दोस्त है उनसे मुलाकात वहाँ पे हो जाएगी। तो ये रेस्टोरेंट इसी तरह से है, आउटसाइड में वो बैठे हुए हैं और बस थक गया हूँ मैं पूरी तरीके से। जी गाइस, तो ऑलमोस्ट अभी हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा कर ली है और अभी हम वापस जा रहे हैं दुबई की ओर, ठीक है। और जो मीटिंग थी वो मीटिंग भी कंप्लीट हो गई है। मीटिंग में अनफॉर्चुनेटली कैसा नसीबली बोल सकता हूँ कि नसीब से जिस मीटिंग में जो उनकी जो मैनेजर थे जिनसे मुझे मीटिंग करनी थी, एक्चुअली वो मैनेजर निकली गुजरात से, और गुजरात से भी जुहापुरा से, अहमदाबाद से, मतलब कि वो मेरे दूर 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 के रिलेटिव्स भी निकल आए हैं कहीं से। अभी तक मैंने पूरा डिटेल में नहीं निकलवाया, लेकिन है कहीं ना कहीं रिलेटिव लग रहे हैं मेरे, ठीक है। तभी उनसे मेरी मुलाकात हो गई और मीटिंग भी हो गई। दे वांट टू बी हायर मी फॉर दैट कंपनी मैनेजमेंट एंड सेल्स डिपार्टमेंट में, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, उनसे मैंने पूरी बात तो की है। वो लोग चाहते हैं वो लोग कि मैं अबू धाबी शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। अभी मैं चाहता तो हूँ कि मैं अबू धाबी शिफ्ट हो, क्योंकि मुझे कोई एतराज़ नहीं है अबू धाबी शिफ्ट हो या फिर दुबई में रहूँ, क्योंकि अगर आपको कुछ करना होता है ना, कुछ काम करना होता है तो एरिया डजेंट मैटर, आपको काम करना है तो करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है, अभी मुझे उन्होंने कहा कि प्लीज़ थिंक फॉर टू डेज एंड देन हम दो दिन के बाद वहाँ पे आने वाले हैं, फाइनल मीटिंग करेंगे, तो आप दो अबू धाबी शिफ्ट हो जाओ फाइनल, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम निकल पड़े दुबई की ओर और जल्द एक घंटे में शायद दुबई पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। गाइस, अभी आए हैं हम लोग और खाना वाना हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी वीडियो का और व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वो लोग दो दिन के बाद जब मुझसे मिलने के लिए आएंगे तो ज़रूर मैं उनके साथ एक व्लॉग बनाऊंगा जो मैं आपको दिखा सकूं। और बाकी जो भी है वो मुझे एक्चुअली एज अ मैनेजमेंट के तौर पर और एज अ सेल्स मार्केटिंग में, डिजिटल सेल्स मार्केटिंग में हायर करना चाहते हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है, उनके आने के बाद पता चलेगा। और उन्होंने मुझे कहा है कि दो दिन में आपका माइंड सेट बताइए, तो इंशाल्लाह अभी मेरा माइंड तो सेट हो रहा है। वो है वी टू कंपनी है उनकी, अबू धाबी में है और एक दुबई में, तो इंशाल्लाह जो भी होगा सही होगा। और सोच समझ के फैसले लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो आपको बहुत सोच के फैसला लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा फैसला आपके 6 मंथ या 1 ईयर या 2 ईयर्स ले लेता है। एक फैसले के ऊपर आपको चलना होता है, उस डायरेक्शन में जाना होता है। तो जब डायरेक्शन लेने का जब आप डिसीजन लें तो प्लीज़ सोच समझ के लें, क्योंकि फिर आगे जाके आप जब यू टर्न लेते हैं या फिर आप डाइवर्ट करते हैं अपने माइंड को, या फिर आप सोचते हैं कि नहीं हमने गलत फैसला ले लिया, हम कोई और फैसला लेते हैं, तो उस दौरान का जो बीच का जो वक्त होता है वो आपका पूरा लॉस होता है। और मार्केट में रेपुटेशन भी आपकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि आपने पहले कमिटमेंट की होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें की होती है, फिर आप नहीं कर पाते उस काम को, तो फाइनली फिर आपकी मार्केट में एक रेपुटेशन होती है वो ख़राब हो जाती है। तो पहले खुद को जाने, खुद को पहचाने और खुद सोचें कि हाँ ये काम हम परफेक्टली कर सकते हैं, देन ही डू दैट वर्क, ओके। तो फिर शब खैर और मिलते हैं अगले वीडियो में। Let's go.